हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो सेफ्टी। गाइस, हम बात करेंगे इमरजेंसी सायरन कोड के बारे में जो किसी प्लांट और इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है। इमरजेंसी सायरन कोड इन एनी प्लांट और इंडस्ट्रीज़। किसी प्लांट और इंडस्ट्रीज़ में कौन सा इमरजेंसी सायरन कोड चलता है, इसके बारे में बात करेंगे। किसी भी कंपनी में एक इमरजेंसी सायरन होता है जिसको ऑपरेटिंग करने के लिए एक इमरजेंसी कोड होता है। सायरन को सुन के आप समझ जाएंगे कि कौन सा टाइप का इमरजेंसी हुआ है। सायरन के हेल्प से वर्कर को मालूम चल जाता है कि कौन सा टाइप का इमरजेंसी हुआ है, जिससे कि वो अपना काम बंद करके असेंबली पॉइंट पे इकट्ठा हो जाते हैं। इमरजेंसी कोड फॉर फायर। फायर होने पे कौन सा इमरजेंसी कोड यूज होता है, सायरन कैसे बजता है, सायरन की आवाज़ सुन के हमको मालूम हो जाना चाहिए कि ये फायर का सायरन है। इमरजेंसी कोड फॉर फायर। इंटरप्टेड वेलिंग साउंड ऑफ 10 सेकेंड ड्यूरेशन विद अ गैप ऑफ 5 सेकेंड फॉर 3 मिनट्स। अगर आपको 10 सेकेंड ड्यूरेशन का कोई भी साउंड सुनाई दे रहा है और वो 5 सेकेंड का गैप पे ये 3 मिनट तक ऐसे सुनाई दे रहा है, तो आप समझ जाए कि फायर इमरजेंसी हुआ है। फायर इमरजेंसी में 10 सेकेंड ड्यूरेशन का एक हुटर लगता है, जिसका 5 सेकेंड का उसका ब्रेक दिया जाता है और ये प्रोसेस पूरा 3 मिनट तक रहता है। कभी भी फायर एक्सीडेंट होने पे वर्कर को इन्फॉर्म करने के लिए ये कोड का यूज़ किया जाता है। इसको फायर इमरजेंसी कोड बोलते हैं। इमरजेंसी कोड फॉर टॉक्सिक गैसेस। कभी भी प्लांट में टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो जाता है, जहरीली गैस बाहर निकलने लगता है, तो टॉक्सिक गैस इमरजेंसी बोलते हैं इसको। इमरजेंसी कोड फॉर टॉक्सिक गैसेस का क्या रहता है? इंटरप्टेड वेलिंग साउंड ऑफ 5 सेकेंड ड्यूरेशन विद अ गैप ऑफ 2 सेकेंड फॉर 3 मिनट्स। इसका 5 सेकेंड का साउंड रहता है, 2 सेकेंड का गैप इसमें रहता है और ये पूरा प्रोसेस 3 मिनट का रहता है। अगर आपको 5 सेकेंड का छोटा छोटा साउंड 2 सेकेंड का गैप के बाद 3 मिनट तक ऐसा सुनाई दिए, तो आप समझ जाइए कि टॉक्सिक गैसेस इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है। किसी भी इमरजेंसी होने के बाद से एक ऑल क्लियर सिग्नल होता है, जो कि इमरजेंसी ऑफ बोलते हैं इसको। इमरजेंसी ऑफ का 2 मिनट का ये सायरन रहता है। इमरजेंसी होने के बाद से सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद एक सायरन बजाना पड़ता है, ताकि पूरा वर्कर को मालूम हो जाए कि इमरजेंसी ऑफ हो गया है, पूरा ऑल इज क्लियर हो गया है, अब कोई प्लांट में ख़तरा नहीं है। इसके लिए एक 2 मिनट का लंबा सायरन बजाते हैं, जिसको ऑल क्लियर सिग्नल बोलते हैं। किसी भी इमरजेंसी के बाद यदि आपको ऑल क्लियर सिग्नल 2 मिनट का एक लंबा सिग्नल हुटर नहीं सुनाई देता है, तो आप प्लांट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। इससे आपको मालूम चलता है कि इमरजेंसी अभी कंटिन्यू है, इसलिए आप ऑल क्लियर सिग्नल का वेट करें। जब ऑल क्लियर सिग्नल अगर आपको सुनाई दे देता है, तभी आप अपने साइड वर्क पे जाकर अपना काम को स्टार्ट करें। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियोस। गाइस, आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।